Happy birthday, dear Sita Sona. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Sita Sona. Happy birthday to you. हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, जय श्री राम। गाइस कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद फिर से एक नए व्लॉग में आप लोगों को स्वागत करना चाहूँगा। वैसे तो मैं कंटिन्यू कलर परसों भी मैं अपना चैनल में लाइव वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग ने चेक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चेक करें। तो बहुत सारे मेरा दोस्त लोग पूछ रहे थे कि समीर भाई, आजकल क्यों व्लॉग नहीं कर रहे हो? आपका व्लॉग वेट कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। वैसा नहीं है गाइज, मेरा मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। अगर टाइम नहीं मिला तो मैं सीधा डायरेक्ट एडिटिंग नहीं करके सीधा मैं लाइव द्वारा आप लोगों को यहाँ का जानकारी सब कुछ पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ गाइज। तो सबसे पहले इसराइल का जो फिलहाल का सिचुएशन है, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है, अभी भी गाइस यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति है। क्योंकि अभी अक्टूबर आने को है और ऊपर से इसराइल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है लेबनान के जितने भी इनोसेंट पीपल है, आप लोग अपने जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। अगर आप लोगों के एरिया में हमास को आप लोग पनाह दे रहे हैं ना, तो आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बन जाएगा। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो, इसराइल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है जितने भी हमास के ठिकाने हैं लेबनान में, तो वो सब ठिकाने अभी चुन चुन के इसराइल ख़त्म करने को जा रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो बात क्लियर है, इसराइल ने कभी वार नहीं चाहा, कभी स्टार्ट नहीं किया। पिछले साल हमास ने किया था, तो हमास से होते होते यमन हूती हो गया, और उसके बाद फिलिस्तीन तो हो गया पहले, सबसे पहले, उसके बाद यमन हो गया, ईरान हो गया, अब लेबनान, लेबनान का हिजबुल्ला के साथ बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है गाइस। मेरा फेस के कारण बहुत धूप है, बहुत गर्मी बाहर। और लेबनान में जितने भी लोग हैं हमारा भारत से, अगर आप लोग लेबनान में काम कर रहे हो तो इसराइल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। अगर आप लोग का दोस्त लोग कोई लेबनान में काम करते हैं या फिर आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप लोगों को ये मैसेज में अपने वीडियो के थ्रू से सेंड करना चाहूँगा, पहुँचाना चाहूँगा। गाइस अभी लेबनान में आने वाले वक्त में बहुत बुरा हाल, बदतर से भी बदतर हाल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसराइल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया जैसे गाजा का हुआ निस्त नाबूद कर देगा इसराइल। इसराइल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, अगर जहाँ पर इसराइल को लगेगा हाँ वहाँ पर हिजबुल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइज कोई भी कमांडर, कोई भी आदमी उस बिल्डिंग में है, तो सीधा एयर स्ट्राइक कर देगा। तो अगर कोई बंदा हमारा भारत या फिर नेपाल किसी भी जगह से अगर वहाँ पे काम करता है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से जल्द करके वहाँ से भाग जाइए। इसराइल के जितने भी नॉर्दर्न साइट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, नॉर्थ साइट है वो तो पूरा खाली है गाइस, पूरा खाली है, क्योंकि घर बस्ती वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, मगर जो इंसान रहता है ना वो लोग नहीं, वहाँ से वो लोग को शिफ्ट कर चुके हैं दूसरे जगह में, ये सब चीज़ें। और जहाँ पर मैं रह रहा हूँ सबसे बेस्ट एंड सबसे सेफ प्लेस है, यहाँ से 10 से 20 किलोमीटर के ऊपर में, ऊपर के दायरे में कल परसों के सुबह एक दो रॉकेट आके गिरा, जो कि हिजबुल्ला लेबनान से
लेबनान ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, मगर ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ क्योंकि वो खुला एरिया एग्रीकल्चर एरिया में गिरा था, तो इतना हताश होने की कोई बात नहीं है गाइस, बिल्कुल सेफ है हम लोग। जहाँ पर इतना हड़कंप मच रहा है, जो न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे, आगजनी हो गया, गाड़ी जल गया, घर जल गया, वहाँ पे जो घर है गाड़ी जल गया मुश्किल नहीं, मगर कोई इंसान यहाँ वहाँ पे आज के तारीख पे ज़्यादा करके फैमिली नहीं है, वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं वहाँ से। इसराइल इतना ख्याल रखता है अपने अपना आदमी को, रख रहेगा बेवकसा कामा दकोत। तो रूबेन को भी मैं साथ में लेके आया हूँ, क्या करें, ड्यूटी है ना, तो करना तो पड़ता है। तो गाइस अगर आप लोग इसराइल के लिए देख रहे हो, इसराइल का आप लोगों का काम हो चुका है, अब सिर्फ आप लोगों का टिकट लेने का और फिर फ्लाई होने का है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य करें, थोड़ा रुके। आज की तारीख अगर आप लोग आओगे तो फंस सकते हो यहाँ पे, अभी फ्लाइट भी नहीं है। एक तो एयर इंडिया अभी अक्टूबर 24 के बाद मालूम नहीं एयर इंडिया क्या करेगा, मैं खुद भी सोच रहा हूँ गाँव जाने के लिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि गाँव कब आओगे, मगर मैं अभी नहीं आ पा रहा हूँ गाँव, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसा है। अगर डायरेक्ट फ्लाइट होगा तो मैं आएगा, बिना कनेक्टिंग में नहीं आऊँगा भाया होके, मेरे को नहीं जाने का, क्योंकि दुबई पहले मैं फ्लाई कर चुका हूँ, दुबई मेरे को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो जो फ्लाइट है बहुत ही कंजस्टेड है, और जो वजन है वेट है बहुत ही, लॉगेज बहुत ही कम दे रहा है। इथोपिया भी, इथोपिया अच्छा है, वो भी भाया है, तो मैं इथोपिया थ्रू इथोपिया नहीं आऊँगा, एयर इंडिया के थ्रू ही मैं आना चाहूँगा। और गाइज NSDC से जो भी बंदे लोग केयर गिवर के लिए जा रहे, ये बातें मेरे को पूछ रहा था, तो जहाँ तक मुझे लगता है NSDC का कोई बंदा अभी तक जुड़ा नहीं। अगर कोई भी भाई NSDC से आए हो, केयर गिवर में आपका हो चुका है, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट में आइए, मेरा संपर्क में आइए। मुझे लगता है NSDC से या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर में ऐसे 5 साल के लिए आ रहा है ना, तो जो भी G2G या फिर NSDC से आता है केयर गिवर के लिए, उन लोगों से 5 साल काम करने का मिलेगा, और वो ज़्यादा करके वो लोग को बेताबोत करके एक जगह है यहाँ पे बिल्डिंग में। तो सिंपल सी भाषा में अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ, तो बेताबोत अगर हम लोग सिंपल सी भाषा में देखेंगे बोलेंगे तो वृद्ध आश्रम है ना, ओल्ड एज होम जैसे ही है, तो वहाँ पर काम करने को मिलेगा आवर के हिसाब से, या उन लोगों का सैलरी अच्छा रहता है क्योंकि आवर के हिसाब से काम करना पड़ता है। हो सकता है NSDC वाले जो भी बंदे को सिलेक्शन हुआ केयर गिवर में, उन लोगों को बेताबोत करके जगह रहता है, उन लोगों को वहाँ पर काम करने को लेके जाएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग G2G जो नेपाल से आए हुए दोस्त लोग, वो लोग कर रहे हैं बेताबोत में, और दिन के घंटे कभी 8 घंटा, कभी 10, कभी 5 घंटा ऐसा काम रहता है वहाँ पर। मगर हम लोग कंपेयर करेंगे सैलरी, जो हम लोग रेगुलर यहाँ पे केयर गिवर कर रहे हैं इतने सालों से, हम लोगों से उन लोगों का महीने में कभी कभार थोड़ा ज़्यादा भी होता है कमाई, और थोड़ा कम भी होता है, एक फिक्स सैलरी नहीं रहता है। ये सब चीज़ें अगर कोई बंदा NSDC में काम करे, अगर आप लोग कांटेक्ट पे हो तो प्लीज़ संपर्क में आइए, मुझे ज़रूर मैसेज करें। और आज इवनिंग में बर्थडे मेरा दोस्त और बहन सोनम और शीतल का, तो मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोथ ऑफ यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। तो सिचुएशन तो ठीक नहीं है, मगर फिर भी मेरा बर्थडे जो सेलिब्रेट किया था, वो लोग आए थे, अटेंड किए थे, तो मैं चाहता हूँ मैं भी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जाऊँ। तो सोच रहा हूँ इवनिंग टाइम है, तो देखना पड़ेगा आफ्टर ड्यूटी, क्योंकि रूबेन भी है मेरे साथ, रूबेन को सुला के कोई रूबेन के साथ में रिप्लेस करके मेरे को जाना पड़ेगा। अगर ऐसा रहेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बर्थडे का भी छोटा सा क्लिप मैं रखूँगा। वैसे तो आप लोगों को मालूम है मगन निकाल के बारे में मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूँ गाइस, तो ये सब चीज़ है गाइस आज के दिन पे। तो थैंक यू रूबेन, बहुत चिल रहा है इनको, क्योंकि सबलान पेशेंट भी नहीं है, धैर्यता भी नहीं है रूबेन के पास। तो चलिए गाइस मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अभी इसराइल का स्थिति, इसराइल के साइड तो ठीक है, मगर लेबनान का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एयर स्ट्राइक कर दिया, और ऊपर से इसराइल ने अच्छा अनाउंसमेंट किया बिफोर अटैक, साथ साथ ही जैसे कि गाजा में हुआ, मिस्त्र नाबूद कर दिया अभी गाजा को, वैसे ही
लेबनान का अभी होने को चांसेस है। लेबनान को भी ऑलरेडी इसराइल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने, जो भी आप लोग इनोसेंट पीपल हो आप लोग वहाँ से हट जाओ। अगर आपको लगता है वहाँ पे हिजबुल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर आपके वहाँ पे रुक रहा है तो आप लोग प्लीज़ उस जगह को रिप्लेस करें करके ऑलरेडी बता दिया है। तो देखना होगा गाइस आने वाले वक्त में, हम अगर टेंशन मत लो, हम लोग जहाँ पर है बिल्कुल सेफ है और एक होली लैंड है, ऊपर वाले की दुआ और आप लोगों का प्यार की वजह से हम लोग बिल्कुल सेफ है, आप लोग टेंशन मत लो। हाँ मगर आप लोग आ रहे हो देख रहे हो इसराइल के लिए तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, अभी एयर इंडिया खुला नहीं, अगर डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा गाइस, तो थोड़ा बहुत संभल के आइए, बाकी तो सब कुछ ठीक है, काम ही तो करने का है ना। केयर गिवर के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं गाइस, मैं बहुत सारे ब्लॉग बना चुका हूँ, अगर आप लोगों को केयर गिवर के बारे में जानने का है तो दिल्ली में अबीबा केयर गिवर सेंटर और जायोन करके और एक कैबेक करके भी है, और अंधेरी ईस्ट में मुंबई में भी है केयर गिवर अबीबा केयर गिवर सेंटर। आप लोग गूगल पे चेक करना, अगर आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें या फिर मेरा चैनल में जाके सर्च करें, वहाँ पे मैंने बहुत सारे ए टू जेड डिटेल्स में केयर गिवर को लेके वीडियो बना चुका हूँ गाइस, कितना पैसा खर्च है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस क्या है, क्लास किस तरीके का रहता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वो सब वगैरह वगैरह चीज़ें मैं बता चुका हूँ। हाँ केयर गिवर में आने के लिए एक मेडिकल नर्सिंग सेक्टर है तो डेफिनेटली नो डाउट आप लोगों को मेडिकल के बारे में पढ़ना पड़ता है, दवाई के बारे में, बीमार जो भी बीमारी रहता है, कैंसर, डिमेंशिया, पैरालिसिस, किडनी पेशेंट, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी, सब वगैरह वगैरह जो भी नर्सिंग के सेक्टर में आता है वो सब चीज़ें पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ के आइए ये सब चीज़ें। अगर आप लोगों को फर्दर कुछ भी डिटेल्स जानने का है तो प्लीज़ आप लोग मेरा या इंस्टाग्राम को फॉलो करें, इंस्टाग्राम में समीर राय 446 करके मेरा इंस्टा आई डी। तो मिलेंगे फिर से नए दिन नए ब्लॉग के साथ, जय हिंद जय भारत गाइस, थैंक यू सो मच आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करेंगे तो अगर ये वार थम जाता है, वैसे तो मालूम नहीं अभी एक साल होने को वार तो थम नहीं रहा है, अगर ऊपर वाले की दुआ से वार थम गया तो डेफिनेटली मैं अक्टूबर में गांव जाना चाहूँगा, गांव में हम लोग मिलेंगे गाइस दार्जिलिंग में। थैंक यू टाटा बाय बाय, मिलेंगे शाम को बर्थडे में। हमी ये टीम वन टू थ्री Happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you, Sita Sona, happy birthday to you. त्यहाँ एउटा यसमा राख्दा भइहाल्यो, सोनाम राख है, सोनाम राख, तिमीलाई डायबेटिस छैन बुढालाई खाँदा हुन्छ न, तिमीलाई पहिला जन्मदिनको बधाई छ, जन्मदिनको बधाई छ, आउने साल पनि यसरी मनाउन पनि साथी हो, अनि यो मात्रै जम्मा उमेरमा सोध्नु भन्दा चाहिँ कहाँ लेख्थ्यो।
तो रब्बा आज के साथियों वहां बैठे थे आज बैठे भाई।